that yogi who is gladly absorbed in truth and self-realization is said to be indissolubly united to spirit, unchangeable, conqueror of senses. He looks with an equal eye on earth, stone and gold. वह योगी जो आनंद पूर्वक सत्य और आत्म साक्षात्कार में लीन है, आत्मा से अटूट है, अपरिवर्तनशील, इंद्रियों को जीतने वाला, वह पृथ्वी, पत्थर और सोने को समान नेत्र से देखता है। Even if you are the most sinful of sinners, Arjuna, you could cross beyond all sin by the raft of spiritual wisdom. यदि आप पापियों में सबसे अधिक पापी थे, तो भी आप आध्यात्मिक ज्ञान की बेड़ा से सभी पापों को पार कर सकते हैं। The truly wise mourn neither for those who are living nor for those who have passed away. सच्चे बुद्धिमान न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं, न ही उनके लिए जो मर गए हैं। उदाहरण के तौर पे व्यक्ति को हमेशा इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि सब कुछ अस्थाई है और आपके सहित हर कोई देर सवेर मरने वाला है। तभी आप बुद्धिमान बनते हैं और बिना पछतावे के स्वीकार करते हैं जब आपके प्रियजन दुनिया छोड़ जाते हैं। He is full with contentment who absorbs all desires within as the brimful ocean remains unmoved by waters entering into it, not he who lusts after desires. संतोष से भरा हुआ वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है, जैसे कि पानी में प्रवेश करने से भरा हुआ सागर, वह नहीं जो इच्छाओं की लालसा करते। सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है जो किसी कामना की लालसा नहीं करता। जैसे सागर अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आप उसमें पानी की कुछ बूंदें फेंकते हैं, वह उन्हें अवशोषित कर लेता है। इसी तरह सभी इच्छाओं को अवशोषित करना चाहिए और सही मायने में स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। No one who does good work will ever come to a bad end, either here or in the world to come. कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ, न ही आने वाली दुनिया में। हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।